हरियाणा में बारिश का कहर इतना ज्यादा हो सकता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज पंचकुला मानो बारिश में आंसू निकालने को मजबूर हो गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचकुला में ईंट भट्टे पर दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं एक बच्चा घायल हो गया। मासूम की हालत नाजुक है और गंभीर हालत के चलते उसका इलाज भी जारी है। आपको बता दें कि ये मामला पंचकुला के रायपुरानी स्थित गांव जासपुर का है, जहां भारी बारिश के चलते ये हादसा हो गया। वहीं हादसे की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और बच्चों की शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवाया। फिलहाल पुलिस बच्चों के परिजनों और ईंट भट्टे के मालिक से पूछताछ कर रही है। मेरी इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान सुबह 11:10 पर कमला भट्टा जासपुर से 3 बच्चे लाए गए, जिनकी उम्र 2 साल, 5 साल और 6 साल की गुड़िया थी, उनको लाया गया। तो जांच के दौरान ये पता लगा कि भाई जो 2 साल का काका और 6 साल की गुड़िया है, उसकी डेथ पहले से हो रखी थी। जो 5 साल का बच्चा था, उसको चिकित्सा सहायता दी गई। चिकित्सा सहायता देने के दौरान जब उसका एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और ओरल सक्शन करी गई, तो ये पाया गया कि भाई उसकी जो सांस की नली है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड और म्यूकस था, और बच्चा जो है गास्पिंग स्टेट में यहाँ लाया गया था। और चिकित्सा सहायता देने के दौरान जब तक हम मरीज को 6 सेक्टर पंचकुला रेफर करते, तो उसकी भी जो है मृत्यु हो गई है। तो अभी 3 बच्चों के जो शव हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं? शव पुलिस को जो है मौली चौकी पुलिस स्टेशन में जो है पुलिस इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, और इंचार्ज सर से बात हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि जी बॉडी को हम 6 सेक्टर पंचकुला मॉर्चरी में शिफ्ट करेंगे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। आज दोपहर ईंट बनाने का काम चल रहा था और पास में ही उसके बच्चे काम कर रहे थे, तभी अचानक दीवार गिर गई और 4 बच्चे दीवार के नीचे दब गए। इसके बाद परिवार ने तुरंत 4 बच्चों को बाहर निकाला और नजदीक के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 1 बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। हम निकासी करते हैं जी, हाँ जी, भट्टे में बच्चे हमारे पायलट के सहारे खेल लेते हैं। हमें क्या मालूम क्यों गिर जाएंगे, पायलट जो है बस रेडा लेकर चले, इतनी देर में धड़ाम देसी ने पायलट ही गई, उसमें 3-4 बच्चे दब गए। बड़ी मुश्किल से हमने निकाले वो उसके अंदर से, और एक को डॉक्टर से दवा दिला दी और 3 को यहाँ ले आया। तो जो बच्चों की जिनकी मृत्यु बताई जा रही हो रही है, वो कितने साल के बच्चे थे, कुछ आइडिया है? ये 5 साल का है। 6 साल की? 7 साल की मेरी। एक 5वीं साल में, एक 2री साल में, दिसंबर को 2 साल का है वो छोटा सा जो है, वो लड़की 9 साल की है मेरी। तो किस किस के बच्चे थे इसमें? ये 3 तो मेरे हैं, एक मेरी भांजी है, इन लोग एक ही परिवार के हैं। 3 बच्चे? 4 ही बच्चे? 3 मेरे ही हैं, एक ही परिवार के। मृतक बच्चों की पहचान 6 वर्षीय रफिया, 5 वर्षीय मोहम्मद साद और 2 वर्षीय जीशान के रूप में हुई है। मामले को लेकर पंचकुला की सिविल सर्जन का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। दोपहर के समय, मतलब बेसिकली आफ्टरनून में आरंभिक, तो वहाँ पे आए थे रायपुरानी में, और रायपुरानी के SMO ने मुझे कॉल किया था, किसी भट्टे में 3 बच्चे थे जो खेल रहे थे, और कोई कच्ची दीवार थी वो उनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली गिर गई। उसमें से 2 बच्चे तो ब्रॉड डेड ही लाए गए थे मेरे वहाँ पे CHC रायपुरानी में, और 1 बच्चा जो था उस समय गैस्पिंग था, मतलब सांस बड़ी मुश्किल से ले रहा था। उसको कोशिश की हमारी हेल्थ टीम ने रिवाइव करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी बच्चा सर्वाइव नहीं किया। और 3 का पुलिस इंफॉर्मेशन टीम ने भेज दिया था, और उनको यहाँ पे मॉर्चरी में उनकी बॉडी शिफ्ट करा दी है फॉर पोस्टमार्टम। पुलिस जैसे ही कागज लेके आएगी तुरंत हम करा के बॉडी तक। क्या नाम है बच्चों के, बताएंगे? 1 6 साल का है, 1 4 साल का, 1 2 साल है ना। एक उसमें से लड़की है, 2 एक ही पेरेंट के हैं। मुझे बताया कि उनके माँ बाप मिले हैं वहाँ मेरे डॉक्टर इंचार्ज से जाके, तो 2 एक ही माँ बाप के बच्चे हैं और 1। हादसे के बाद से बच्चों के परिवार में मातम छा गया है, वहीं पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जहां मजदूर लोग काम करते हैं, वहां इस तरह की हालत का जिम्मेदार कौन है? इस दुखद घटना ने भट्टा उद्योग में मजदूरों की सुरक्षा और उनके बच्चों की देखरेख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर मामले को लेकर आगामी कार्रवाई क्या की जाती है। पंचकुला से उमंग श्योराण, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।